नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पुंज और आज हमारे साथ जो मुलाकात कर रहे हैं वो है वेस्ट बंगाल के बीजेपी महिला मोर्चा के राखी मित्रा जी। राखी मित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। राखी मित्रा जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने कैसे पॉलिटिक्स शुरू की और बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है वहाँ पे बीजेपी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतने ऐसे हालातों में कैसे सर्वाइव कर रही हैं? भाई साहब, पॉलिटिक्स खून में तब से दौड़ रही थी जब से मैं बड़ी हुई थी। अटल जी की भक्त थी, जनसंघ ही मानी जाती थी, लेकिन फिर बहुत जल्दी शादी हो गई तो पूरे इंडिया में घूमते रहे। कलकत्ता जब आई, बेटी बड़ी हो गई, तब मुझे लगा कि नहीं, देश के लिए जब इस देश में जन्मी हूँ, इस देश को कुछ दे के जाना चाहिए। तो लगा था कि एक चेंज लाने के लिए भाजपा में मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, लोग वहाँ चेंज मांग रहे हैं और भाजपा से बड़ी ऑप्शन वहाँ कोई चेंज लाने के लिए। तो वहाँ जो काम कर रही है, स्थिति बहुत ख़राब है। पूरे देश को पता है पश्चिम बंगाल में क्या चल रही है, रोज़ हमारे कार्यकर्ता मरते हैं, लेकिन हम लोग भी सर पर कफन मारते ही निकले हुए हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ पे सरवाइव करना, आप एक महिला होकर के कैसे सरवाइव कर रही हैं? नहीं, महिला हूँ, बैकग्राउंड थोड़ी अच्छी है, शायद इसलिए सरवाइव कर रही हूँ। हमारे भाई लोग जो हैं कार्यकर्ता, जिन लोग हैं, उन लोग के ऊपर रोज हजारों अलग अलग तरह के केस लगा देते हैं और जेल में सड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। पिछले पंचायत से आज तक 130 से 35 कार्यकर्ता हम खो चुके हैं। पश्चिमी बंगाल में सर्वाइव करना मुश्किल है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, सुनने में डेली आ रहा है। क्या ये बीजेपी द्वारा फैलाया हुआ वोट बैंक के लिए भरम तो नहीं है? हिंदुओं के लिए मुश्किल है, क्योंकि जब लोग हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को शायद दिख रहा है, सबको, सभी को, सभी हिंदू को लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश पार्टीशन हुई थी 1947 में पाकिस्तान, शायद एक और पार्टीशन होने वाली है, हिंदू मारे जा रहे हैं जी। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक बंगाल के ऊपर नज़र किसी की नहीं गई है जी। लोग चाहते हैं बंगाल जीतना जी। लेकिन जीतने के लिए पहले हिंदुओं को इकट्ठा भी होना है और सेंटर से भी एक्शन कुछ जरूरी है। नहीं, बार बार ममता बनर्जी को लोग जीत का फतवा दे के सीएम बना रहे हैं, तो उस मतलब अगर वो इतनी निर्दयी है, इतने अत्याचार कर रही है, तो बार बार वो सीएम कैसे बन रही है? नहीं, लास्ट टाइम जब बनी थी वो जबरदस्ती उस समय बन गई थी, उस समय बीजेपी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन इस बार बंगाल में हमारी दो सीटें थी 2014 में, 19 में हमें 18 सीट मिली है, जो 23 हो सकती थी, किसी कारण कुछ सीट कम हो गई है, 2-3 हज़ार वोटों में कुछ जगह हम लोग हार गए हैं। लेकिन बंगाल की जो गांव की जनता है, उनको ये समझ में आ गया है कि बंगाल में अगर बचना है, ये मुसलमान लोग जिस तरह से अत्याचार गांव में करते हैं, उससे अगर बचना है तो ऑप्शन एक ही है, भारतीय जनता। ये बात जब शहर के लोगों को समझ में आ जाएगी, तब बंगाल हम लोग जीत पाएंगे। 2021 में जिन लोग हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, हमें पता है कि ममता बनर्जी वापस आने वाली नहीं है। अब तो केंद्र में सरकार भी भाजपा की है, तो क्या केंद्र में सरकार होने का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको वेस्ट बंगाल में? बेनिफिट तो अभी तक भाई साहब मिला नहीं है जी। हम लोग रोज वेट करते हैं कि कुछ अगर हो जाए, कार्यकर्ता मर रहे हैं, तकलीफ बहुत होती है कि जिनके घर से जो बच्चा चला जाता है ना, समझ में उसी को आती है, जिनके घर के बेटी बहू या बेटा या बाप मर जाता है, मार दिया जाता है, ये तो नॉर्मल मार नहीं है ना, मार दिया जाता है, लटका दिया जाता है, उन्हीं को समझ में आती है। तो हम लोग जा रहे हैं, बार बार राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, गवर्नर के पास जा रहे हैं, गृह मंत्री के पास जा रहे हैं जी। तो अभी तो अमित शाह जी हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि अमित शाह जी अगर कुछ कर सकते हैं, अमित शाह जी कुछ करेंगे। और 21 में भगवा हम लोग को फैलाना है बंगाल में, ममता दीदी को नहीं रखना है। क्या कहना चाहेंगे आप आवाम से? यही कहना चाहेंगे कि अपना अधिकार समझो, देश तुम्हारा है, एक बार देश बट चुकी है, दोबारा बटने मत दो। वो स्थिति मत आए कि दोबारा बट जाए, उस समय जो बांग्लादेश बटी थी, जो हिंदू लोग थे वो भारत में आए थे, अब अगर बटेगी तो कहाँ जाओगे, वो जाने की कोई जगह नहीं है। ये सोच समझ के वोट डालो, समझ लो कि ममता दीदी और एक बांग्लादेश बनाने वाली है और आपके लिए कोई जगह, बंगाल के हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। सो रहना है तो बंगाल में, अगर रहना है तो भाजपा को लाओ, मैं तो खत्म हो जाओ। जय
हिजाब पहनने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी बहू बेटियों को खोने के लिए तैयार हो जाओ और एक जेनोसाइड के लिए तैयार हो जाओ। क्या आपको नहीं लगता कि जब जब बीजेपी सत्ता में बाहर होती है, जिस भी स्टेट में बाहर होती है, मुसलमानों के खिलाफ होती है, लेकिन जब जब बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो उनका मुस्लिम प्रेम उमड़ पड़ता है। केंद्र में भी ऐसा ही हुआ, दूसरी स्टेटों में भी कैसा ऐसा ही हुआ, क्या यही खेल बीजेपी पश्चिमी बंगाल में नहीं खेलने जा रही? पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर ये खेल खेलेगी तो बीजेपी कभी पावर में नहीं आएगी जी। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स बाकी देश से थोड़ी डिफरेंट है। पश्चिम बंगाल के लोग थोड़ा ज़्यादा लिटरेट हैं, पॉलिटिक्स उनकी रग में दौड़ती है जी। ये पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलेगी और अमित शाह जी वो हमारे चाणक्य माने जाते हैं, उनको तो ये बात बहुत अच्छी तरह से मिली। बंगाल में अपीजमेंट जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं जी। दोस्तों ये थे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राखी मित्रा जी, हम मुलाकात करेंगे फिर एक नई शख्सियत के साथ। अब राकेश पुंज को इजाजत दीजिए।